सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए क्वेश्चन सीजीएल 2018 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ सिग्मा एंड बीटा, देख लो अल्फा और बीटा इनको नहीं मिला, अल्फा को सिग्मा मान लिया। अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम भी अपने कुत्ते को बादशाह कहते हैं, उसका नाम बादशाह है वो एक अलग बात है। इफ सिग्मा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन भी है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, देन सिग्मा टू पावर थ्री प्लस बीटा टू पावर थ्री की वैल्यू निकालनी है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। यदि सिग्मा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं तो सिग्मा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली है। चूंकि वैल्यू जो दी है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब सिग्मा और बीटा की वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलना चाहिए। देखो ध्यान से, जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा। देखिए जो इक्वेशन गिवन है वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा बराबर जीरो। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, कर लेते हैं। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वन, और बी की वैल्यू क्या है सिग्मा, और सी की वैल्यू क्या है बीटा। तो देखिए सिग्मा और बीटा इसके रूट्स हैं, यानी एक तरीके से अल्फा आपका जो है वो सिग्मा है और बीटा जो आपका है वो बीटा है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी सिग्मा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, ये लिखा हुआ है। तो क्या करें, हम कह सकते हैं ना, जरा इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस माइनस सिग्मा को इधर ले आओ, एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन में सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। इस सिग्मा को इधर ले आओ तो टू सिग्मा प्लस बीटा बराबर जीरो, ये समीकरण नंबर एक डाल दिया हमने, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा बोले तो सिग्मा, बीटा बोले तो बीटा बराबर सी बोले तो बीटा, बीटा बीटा कट गया तो सिग्मा की वैल्यू वन आ गई, सिग्मा इज वन, कोई दिक्कत। आपने कहा बीटा बीटा कैसे उड़ा दिया, उड़ा दिया बस, क्या दिक्कत है बीटा से डिवाइड कर दो तभी कट जाएगा। अच्छा अगर बीटा सिग्मा को यहां रख दो तो टू सिग्मा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो है तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस टू सिग्मा, और सिग्मा वन है तो बीटा माइनस टू आ गया। अब आपको सिग्मा मालूम हो गया और बीटा मालूम हो गया, और आपसे कह रहे हैं सिग्मा टू पावर थ्री प्लस बीटा टू पावर थ्री करना है, यानी कि वन की पावर थ्री प्लस माइनस टू की पावर थ्री, यानी वन माइनस एट माइनस सेवन इज योर आंसर। तो दिस क्वेश्चन वॉज इन सी जी एल 2018, ठीक है। ये क्वेश्चन सी जी एल 2018 का है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ द रूट्स एज फाइव, इनमें से कुछ समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण द्विघात दिए हुए हैं, सेकंड डिग्री के दिए हुए हैं, तो इनमें कैसे इन समीकरणों में किसके मूल का योगफल पांच है। तो आप जानते हैं आपका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जिसके x के साथ 5 यहाँ आ रहा है, ये चीज़ 5 आ रही है मतलब माइनस के सहित, उसका सम 5 होगा। तो कंपेयर कर दो उठा करके, आपका पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, पहला ये पार्ट दिया है। दूसरा पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स दिया हुआ है, और एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और एक दिया है नन। सिंपल सी बात है, माइनस यहाँ होना चाहिए और सम फाइव है तो ये वाला पार्ट सही होगा। अगर इससे कंपेयर कर दें तो अल्फा प्लस बीटा फाइव आ रहा नहीं आ रहा, यही तो अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका ए पार्ट सही है। अब आप कहेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछा उन्होंने, उनको ये मालूम था जब हम सम ऑफ रूट्स पूछेंगे ना आपसे, अगर आपको ये फंडा नहीं मालूम है तो आप इसके गुणनखंड करेंगे, सबके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके निकालेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू, फिर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किस में फाइव आ रहा है, वो जानते थे आप ये करेंगे इसलिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वॉज इन सी जी एल 2018। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो।